ओडिशा के हृदय स्थल में स्थित है अशोक वाटिका, जो कि बहुत पहले से है, जिसे अब एक उद्यान का रूप दे दिया गया है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर इसे खूबसूरत सा उद्यान बनाया गया है। लेकिन इन पेड़ों को उखाड़ने का हमें अत्यंत खेद है और दुख भी है। यहाँ सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। यहाँ माहौल बहुत खुशनुमा है। आज यहाँ पर ओपनिंग है इस उद्यान की, और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं देखिए, बच्चे कितने खुश हैं। बहुत सुंदर सा इसे बनाया गया है, सजाया धजाया गया है। बहुत सारे लाइट्स लगे हैं, जो कि लाइट्स ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्च किया गया है। इसके साथ ही जड़ से सारे पेड़ों को उखाड़ा गया है, बड़ा सा तालाब बनाया गया है। अच्छी बात है, तालाब भी बना दिया गया है। बड़े बड़े बरगद पेड़, पीपल के पेड़, नीम के पेड़, जामुन के पेड़ उखड़ चुके हैं, और अब ये ऐसा हो चुका है जिसमें बच्चे इंजॉय कर सकते हैं, और बड़े तो करते ही हैं। छुट्टी के दिन अपने बच्चों को ज़रूर लाएं संडे को सुबह सुबह यहाँ पे घुमाने, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर पेड़ पौधों की जो खुशबू है, सुबह सुबह की जो हवा है, काफ़ी अच्छा है, ताजगी से भरी हुई है। अभी तो शाम हो चुका है, और आज यहाँ पे काफ़ी भव्य रूप से इसका आयोजन किया गया है। साथ में यहाँ पे डिनर भी रखा गया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे बच्चों के कूदने के लिए, खेलने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, सिर्फ एक दिन के लिए। बाकी तो सिर्फ ये घूमने का ही पार्क है, और यहाँ पे हमने भी काफ़ी इंजॉय किया है। आप देख सकते हैं कि प्रभु कितना इंजॉय कर रहा है, कूद रहा है। आगे आपको दिखाते हैं वो तालाब जिसे पेड़ों को उखाड़ कर बनाया गया है। ये देखिए यहाँ की लाइटनिंग, शाम के समय में यहाँ पर जो लाइटनिंग की जा रही है वो काफ़ी अच्छी है। और ये रहा वो तालाब, कितना बड़ा एरिया है यहाँ पर। और ये है सुंदर पत्थरों को बिछा करके इसके रास्ते बनाए गए हैं। एक छोटा सा झोपड़ी भी बनाया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर और मनमोहक है। ये प्रभु वहाँ गया और तूफान किया, और यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ लगाए गए हैं।